तीर्थों के महत्व और तीर्थ यात्रा से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराता है। श्रीफल न्यूज, श्रीफल न्यूज का गतिमान कदम। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा में हम आपको प्रत्येक राज्य के सभी सिद्ध व अतिशय स्थलों की बारी बारी से झलक यात्रा करवाने जा रहे हैं। इस मनोरम यात्रा का प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश से। श्रीफल न्यूज तीर्थ यात्रा कदम के माध्यम से हम आपको देश के जैन तीर्थ स्थलों की धार्मिक यात्रा करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है शांति प्रदायक आध्यात्मिक स्थल बड़ागांव के बारे में जानकारी। कोटी पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर घसान नदी किनारे बड़े फलहोड़ी बड़ागांव के बीचों बीच ये सिद्ध क्षेत्र स्थित है। यहाँ से 3.5 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। 1000 साल पुराने चंदेल कालीन मंदिर की शिल्प व वास्तुकला अति सुंदर है। चंदेल कालीन 4 भव्य मंदिर और 7 वेदियों वाले इस तीर्थ के मुख्य उतंग शिखरबंद जिनाले में आदिनाथ भगवान की 16.25 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा मूलनायक होने के साथ अति मनोहारी है। अन्य वेदियों में भी सभी 12वीं सदी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। चंदेल कालीन 24 दर्शनीय है, जो एक ही पाषाण में 24 जिन बिंबों को उकेर कर बनाई गई है। यहाँ प्राचीन सिद्ध गुफा, एक सुंदर मान स्तंभ एवं अहिंसा तालाब है। यहाँ एक प्राचीन संग्रहालय भी है। इसमें सभी 500 वर्ष या उससे अधिक प्राचीन मूर्तियाँ हैं। विशेष अवसर दश लक्षण पर्व, दीपावली, अक्षय तृतीया, महावीर जयंती आदि पर प्रतिवर्ष आयोजित। पहुँच मार्ग झांसी जबलपुर राजमार्ग पर टीकमगढ़ सागर के मध्य मुख्य मार्ग से लगे इस तीर्थ पर पहुँचने के साधन सभी जगह से सहज उपलब्ध है। रेलवे स्टेशन ललितपुर 75 किलोमीटर, झांसी 100 किलोमीटर, बस स्टैंड टीकमगढ़ 26 किलोमीटर, बड़ागांव स्टेशन आधा किलोमीटर। टीकमगढ़ सागर ललितपुर झांसी से सीधे बस सेवा उपलब्ध है। लेखन एवं संयोजन आकांक्षा पाठक।